हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि JSSC स्टेट लेट इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कंसेप्ट वाले हैं, कुछ देख सकते हैं MCQ टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहले मैं 2-4 ऐसे कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा और इसके बाद में MCQ टाइप के देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इन सबको मैं लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। जितना हो सकता है पॉसिबल मैं करा दूंगा और बाकी का PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यूट्यूब पर बताया ही था कम्युनिटी पोस्ट में कि बहुत अच्छे वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो ये एक डुअलिटी वाला है, ये आज के समय में ना बहुत ट्रेंड में चल रहा है, एग्जाम में हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि रेजिस्टेंस का डुअलिटी क्या होता है, इंडक्टेंस का क्या होता है। तो ऐसे ना मतलब बहुत सारे अलग अलग नाम पूछे आते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, आपको याद करना ही होगा। तो अभी भी एग्जाम का बहुत टाइम है, ठीक है, अभी भी आपके पास हाथ है, बहुत टाइम है, 15 दिन के आसपास टाइम है, तो आप कर सकते हैं इस चीज़ों को। देखिए तो डुअलिटी जब भी वर्ड आए ना तो आप सीधे याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पर ना लगभग 15-20 के आसपास मेरे पास ऐसे ऐसे कॉलम है, जैसे रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस हो गया, ठीक है, इंडक्टेंस का कैपेसिटेंस हो गया, इंपीडेंस का एडमिटेंस हो गया, वोल्टेज का करंट हो गया, ठीक है, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स हो गया। तो ऐसे आपको दे देगा, आपको पूछेगा कि रेजिस्टेंस का डुअलिटी क्या होता है, तो आपको बताना है कंडक्टेंस होता है, आपको पूछेगा वोल्टेज का क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा उस समय, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर करना है पेपर में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गई 5 यहाँ पर हो गया, ठीक है, 6-5 यहाँ पर हो गया, और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए, और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपके टोटल है कितने, यहाँ पर है 7-8 के आसपास यहाँ पर, ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी है, बहुत सारा है यहाँ पर भी। तो इन सारे को क्या करना है, जब भी आप PDF निकलवाते हैं या फिर मोबाइल में PDF को पढ़ते हैं, तो इन सारे को आपको पढ़ जाना है। जैसे देखिए यहाँ पर ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, KCL, KVL, थेवेनिन, नॉर्टन, स्टार, डेल्टा, R, इसको नहीं करना, आपको इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर एक कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। बाकी जो भी है आप यहाँ पर जो भी PDF में है, ठीक है, इसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा या फिर खुद से पढ़ लीजिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है हर बार, एक ना एक इसी से आ जाएगा आपको, जो मैंने दिखाया ना 10-12 जितने भी है, मतलब 13-14 के आसपास, इसी से आपको एक ना एक आ जाएगा, ठीक है। तो आप हर हाल में इसको कर लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये हो गए प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के, ठीक है, डब्ल्यू डुअलिटी वाला वर्ड है, आप इसको कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, देखिए नेक्स्ट याद रखना है, देखिए ये ना डायलेक्टिक स्ट्रेंथ वाला आज के समय में ना ये भी बहुत ट्रेंड में है, मैं इसलिए आप सबके सामने ये सब ला दिया हूं, ताकि बहुत सारे बच्चे के ना कमेंट आ रहे थे कि कुछ कुछ जैसे यूनिट का आया हो या फिर कुछ अलग जो डाटा बेस क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके पास नहीं होते हैं इस सब का डाटा, तो मैं आपको कहीं से लेकर आया हूं बुक से, इसलिए आप सब इसको प्रिंट निकलवा ले या फिर मोबाइल में सेव कर ले। देखिए जैसे एयर का पूछेगा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, रबर का पूछ सकता है, बैकेलाइट का बहुत बार पूछा गया, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यूनिट, यहाँ पर देखिए किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है, अगर पर MM में देता है ना तो वो अलग हो जाता है उसका यूनिट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, ये बहुत बार पूछा गया पेपर में, ठीक है, माइका का तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, बोला है कि इनमें से किसका सबसे ज़्यादा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो आप इसमें से इसको याद रहेगा आपका जो कॉलम, तो आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको भी बहुत अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको पेपर में आने का चांस है, ठीक है। फिर चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, MCQ क्वेश्चन भी, आप घबराए मत कि MCQ नहीं, MCQ में आपको दिखाया था शुरू में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक टाइप और आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको ना पेपर में भी आ रहा है कि मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे के पास होंगे डिफरेंस पर, बहुत सारे बच्चे के पास नहीं होंगे, तो मैं इसलिए PDF में अटैच कर दिया हूँ, आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। देखिए जैसे फ्लक्स का पूछेगा तो फ्लक्स का करंट होता है, ठीक है, रिलक्टेंस का रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस अपोज का काम करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो रिलक्टेंस क्या करता है मैग्नेटिक सर्किट में करता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है करंट डेंसिटी होता है, ठीक है। फिर जैसे MMF का क्या होता है, MMF देख सकते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ऐसे ना यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 8 दिया हुआ है, टोटल 8 है, ठीक है, 8 को आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, इससे तो आपको हर हाल में एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है कि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किसके बराबर होता है, एनालॉजी हो गया, ठीक है, कि किसके बराबर, जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है, जब भी आप इसको याद करेंगे तो फार्मूला भी साथ साथ आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, टोटल 8 है, इसको भी आपको
अच्छे से ध्यान रखें। आप 3-4 बार इसको देख लेंगे, आपको दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप मेरा काम था जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ होती है ना एग्जाम के टाइम, बहुत सारे बच्चे को नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको PDF में अटैच कर दिया, ठीक है। फिर चलते हैं इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखें, यहाँ पर हो गया टोटल हमारे पास कितने, एक ही पेज हो गए, दो हो गए, 3-4, टोटल 4 पेज हो गए, ठीक है। टोटल 4 पेज आपको क्या करना है, अच्छे से याद करके रखना है और PDF निकलवा लीजिएगा तो उसमें आपको अटैच आएगा, ठीक। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी सो डिजाइन डेट, कि जो ग्राउंड रेजिस्टेंस बनाया जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि जो ग्राउंड का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम, एज मिनिमम एज पॉसिबल है, जितना कम से कम हो उतना होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, और इतना सारा क्वेश्चन तो कोई नहीं कराता, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, देखिए ये वर्ड पढ़िएगा रेजिस्टिविटी, जिसको कि हम रो से लिखते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। रो रेजिस्टेंस नहीं पूछा, ठीक है, रेजिस्टिविटी पूछा है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप इज टाइप ऑफ, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप किस टाइप का टाइप होता है, तो डिस्चार्ज टाइप होता है, ठीक है, डिस्चार्ज लैंप टाइप होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पेपर में, देखिए ये सब क्वेश्चन ना 2023 के पेपर में पूछा गया, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो और इंपॉर्टेंट है, देखिए आपसे ना अभी एक ट्रेंड में क्या चल रहा है ना कि स्विच बोर्ड वाला आप कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आप सबके सामने लाया हूँ, देखिएगा क्या है, जैसे कि ना आपको यहाँ पर दे देगा कि देखिए लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड को सही प्रतीक चुने, जो बिना स्विच वाले मुख फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है, मतलब उसमें स्विच नहीं है बट मुख फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये तो आपके पास एक इसमें से क्वेश्चन बनेगा, बट मैं आपको ना 3-4 लेकर आया हूँ। तो देखिए पहला जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कि क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कि लाइट फ्यूज बोर्ड का सही प्रतीक चुने जो बिना स्विच वाले मुख फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है, मतलब बिना स्विच वाले मेन फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है, ठीक। तो ये तो सीधे ब्लैक हो गया, देख सकते हैं इसमें कहीं से कोई कटिंग नहीं है ना कहीं से कोई हाफ सेक्शन है, ठीक, इसमें सब में ब्लैक है, ठीक। बट नीचे आप देखिए, मैं इसके साथ ना अटैच था सॉल्यूशन में, तो सोचा आप सबको बेनिफिट होगा। देखिएगा, देखिए पहला तो वही हो गया, देखिए मेन फ्यूज बोर्ड विथाउट स्विच के, ठीक है, बिना स्विच के अगर पूछेगा पेपर में आपको ऐसे ही देगा कि मेन फ्यूज बोर्ड विथाउट स्विच, यानी कि बिना स्विच वाला, बिना स्विच वाला फ्यूज बोर्ड कौन है, पहचानिए, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, तो जहाँ भी स्विच आएगा ना देखिएगा आप यहाँ पर कटिंग कर दिया गया, मतलब आधा में व्हाइट हो गया, आधा में ब्लैक हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते, देखिए नेक्स्ट आपसे पूछेगा, जैसे मेन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, ठीक है, तो स्विच है तो स्विच मतलब क्या होगा कि हाफ हो गया, ठीक है, मतलब हाफ तो वही है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सेक्शनल लाइन आ जाता है, ठीक है, सेक्शनल लाइन आपको ध्यान रखना है, जिससे ना पूरा नहीं होता, सेक्शनल कर लेता है, ठीक है, तो सेक्शनल लाइन आता है डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथाउट स्विच, विथाउट स्विच में सेक्शनल लाइन पूरा में हो जाएगा, ठीक है, जैसे सेक्शनल लाइन किया हुआ है, और लेकिन कहीं नहीं कटिंग हुआ, जैसे यहाँ पर हाफ में व्हाइट है ना, तो यहाँ पर उजला नहीं होगा, यहाँ पर पूरा मेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी स्विच वाला वर्ड स्विच लगा हो ना, तो स्विच लगाने में क्या हो जाता है, स्विच में हाफ हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। और जब भी स्विच ना लगा हो तो पूरा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में सेक्शन लाइन हो जाए, ठीक है। तो आप इसको ना क्या करेंगे, इसको ना आप इसके मोबाइल में आपके PDF रहेगा ही, PDF से आप क्या करिएगा, इसको देख लेगा 3-4 बार, इसी 4 में से आता है और हर हाल में एक आएगा ही, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, इसलिए मेरे को करवाना पड़ा इसका, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। तो आप सबको पता है ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं होता, बट इसमें तो स्टैटिक का कोई फ्रिक्शन का लॉस है नहीं। तो देखिए डायलैक्ट्रिक लॉस होता है, ठीक है, कॉपर लॉस होता है, कोर लॉस होता है, बट ह्यूमिडिटी लॉस नहीं होता। ह्यूमिडिटी क्या होता है, नमी का लॉस, नमी का कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। फिर चलते ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे, देखिएगा द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है। देखिए बहुत सारे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। F=1/T आप लोग पढ़ते हो ना, F=1/T, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, टाइम पीरियड होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे, देखिए द फुल फॉर्म ऑफ ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक RCC भी होता है, रेजिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, वो क्या होता है, करेंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, वो करेंट ऑपरेटेड होता है और ये वोल्टेज ऑपरेटेड होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये भी पूछा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं उसको डिस्कस करने ज्यादा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा गया पेपर में, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है, और चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या है,
जब मोटर नियंत्रक पर स्टॉप बटन दबाया जाता है तो उसमें से उससे क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन द स्टॉप बटन प्रेस ऑन द मोटर कंट्रोलर देन इट क्या होगा उस समय, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा, रिलीज द कॉन्टैक्शन कॉइल, ठीक है, संकुचन कॉइल क्या होता है, जारी करता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर का है बट बेसिक है, तो हो सकता है आपके पेपर में आने का चांस है, तो मैं थोड़ा सा इसको भी ले लिया हूँ जो मोटर जनरेटर का बेसिक क्वेश्चन है, मिक्सअप क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द 2 फैराड, 2 फैराड कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, एनर्जी स्टोर इन इट विल बी। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, जब भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पूछा जाता है तो क्या होता है, हाफ गुने सीवी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो सी कितना, हाफ 1/2, सी कितना दिया हुआ है, सी 2 दिया गया है, फैराड में दिया गया है, तो हम इसको यूनिट सेम है तो ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर मतलब कितना हुआ, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है। अब इसको हम 2 से 2 काट लिए तो कितना आ गया हमारे पास, टोटल 100 जूल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाफ सी वी स्क्वायर आप फार्मूला रखिएगा, अगर इंडक्टर का पूछा जाता तो क्या होता है, इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर में, हाफ सी वी स्क्वायर क्या हो जाता है, कैपेसिटर में हो जाता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। जब भी पूछा जाए, अगर आपको फैराड के बदला माइक्रो फैराड में देता है तो 10^-3 लगा देंगे, अगर सॉरी 10^-6 लगा देंगे, अगर माइक्रो में देता है, अगर इस टाइप से म्यू लिखा हो तो 10^-6 कर देते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, माइक्रो में भी बहुत बार दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सीधे फैराड है तो हम चेंज नहीं किए इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप इसको इसको अच्छे से कीजिएगा। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ ए साइन वेव डेट मेजर 220 वोल्ट ACRMS, देखिए। तो आपको पीक वोल्टेज निकालना है, पीक मतलब क्या होगा, सबसे मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू निकालना है, और RMS वैल्यू दिया हुआ है। तो जब भी आपको पीक वैल्यू निकालना हो और RMS वैल्यू दिया हो तो मतलब हम RMS से ज़्यादा निकालेंगे, मतलब जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा आंसर आएगा। तो देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, 155 नहीं होगा क्योंकि जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा निकालना है। अगर पीक देके RMS पूछता तो उससे कम होता, लेकिन यहाँ पर RMS देके पीक पूछा है तो इससे ज़्यादा होगा, 220 से ज़्यादा होगा, तो 169 भी नहीं होगा, ठीक है। और RMS निकालने का पीक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 220 दिया गया है और इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो √2 का वैल्यू अगर पता है 1.414 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 311 वोल्ट, मतलब 311 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे आप तो आसानी से बन जाएगा आपसे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए प्रैक्टिकल करेंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि प्रैक्टिकल करेंट सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबको पता है जो करेंट सोर्स होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए करेंट सोर्स को हम करेंट सोर्स यहाँ लगाते हैं, ठीक है, और इसके क्या करते हैं, इसके हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द लोड आइडियल करेंट सोर्स, ठीक है, कि एक रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हम पैरेलल में लगाते हैं आइडियल करेंट सोर्स के, अगर वोल्टेज सोर्स बोला जाता तो हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जाम में, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच केबल और कंडक्टर यूजुअली द शॉर्टेस्ट लेंथ अमॉन्ग द फ्लोइंग, मतलब कौन सा इसमें से केबल है कि जिसका लेंथ बहुत ही छोटा होता है। तो आप सबको पता है ट्रांसमिशन लाइन का बहुत बड़ा लेंथ होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन बहुत दूर दूर तक करता है, आपको पता है 100 मीटर 200 मीटर इतना लंबा लंबा, हम लोग 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर इतना लंबा लंबा हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, तो बहुत लंबा दूरी हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी थोड़ा इससे लंबा होता है, इससे छोटा होता है, फीडर का वही हो गया, ठीक है। सर्विसमैन जो होता है ना, क्या होता है सर्विसमैन को होता है कि हमारे पास क्या है कि आपके जो घर के एनर्जी मीटर से लेकर जो पोल तक होती है वायर, उसको हम सर्विसमैन बोला जाता है, तो यही क्या होता है सबसे छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द लाइट, देखिए लाइट के सिग्नल फॉर्म कहाँ होता है, कम्युनिकेशन सर्किट में होता है, ठीक है, जहाँ भी कम्युनिकेशन सर्किट होता है ना वहाँ पे क्या होता है लाइट का सिग्नल पास होता है। लाइट जैसे जैसे कोई भी सिग्नल है, डाटा का संचारण है, जैसे मोबाइल डाटा हो गया, ये सब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OFC, OFC का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना OFC का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन OFC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, आपको ध्यान है कम्युनिकेशन केबल इसको ही बोला जाता है, ठीक है, कई बार कम्युनिकेशन केबल के नाम से पूछा जाता है, तो इसको कम्युनिकेशन केबल ही बोला जाता है, OFC भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है,
कम्युनिकेशन के संचालन में लाइट के फॉर्म में इसको इसमें जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। और TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल इंस्पेक्शन, ठीक है। TIR के प्रिंसिपल पे इसमें डाटा काम करता है, ठीक है। इतना चार पॉइंट आप इससे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे आते हैं कई बार, ठीक है। देखिए स्ट्रीट लाइट का एग्जाम का भी काफ़ी टाइम है, 15 दिन है, 15 दिन में बहुत सारा वीडियो आपको दे दूँगा, ठीक है। आप पेशेंस रखिएगा, बहुत सारा वीडियो आएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इतने अच्छे क्वेश्चन है कोई नहीं लाता, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लीट वायरिंग, ठीक है। क्लीट वायरिंग के लिए क्या इसमें स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लीट वायरिंग, ठीक है। तो क्लीट वायरिंग के लिए क्या है, देखिए इसमें अपीयरेंस इज गुड, गुड नहीं दिखता उतना अच्छा, ठीक है। देखिए रेगुलर क्लीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल वो है, मतलब बिल्कुल सही है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता रेगुलर क्लीनिंग, तो बाहर ही लगा रहता है, क्लीट सीधे क्लैंप कर देता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन जी डिफिकल्ट, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर, हाँ स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर होगा, क्योंकि जी आपको अगर बाहर का वायरिंग अगर नहीं करने आता है तो फिर उसमें क्या होता है, गलतियाँ हो सकता है, ठीक है। तो इसको स्किल मैन पावर इज रिक्वायर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ना ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला है, ठीक है। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिएगा ए रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर इज जनरली यूज, स्प्लिट फेज मोटर मतलब जो ये क्या है, सिंगल फेज मोटर का टाइप है, ठीक है। आपके सिलेबस में मोटर का सिलेबस नहीं है, बट मैं बेसिक क्वेश्चन क्या है कि मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। सिंगल फेज मोटर का टाइप है, ठीक है। ये जनरली कहाँ यूज होता है, तो जनरली आपको पता है वाशिंग मशीन का, चाहे मिक्सर का, ये सब का ना आपको छोटा मोटा एप्लीकेशन याद रखना है। तो वाशिंग मशीन में क्या होगा, ये हो गया। अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर में पूछा जाता है, जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सर ग्राइंडर में, तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल जो मोटर होता है वो यूज़ होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है वो मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट मतलब यहाँ से देखना है आपको और आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए जिधर से आपको ना पहले देखिए इस साइड से पकड़िए आप, ठीक है। इस साइड से आप रेजिस्टेंस को निकालना कीजिए, ठीक है। देखिए 5, 4, 9, 3, 12 क्या है, सीरीज में, ठीक है। सब सीरीज में, तो 12 हो गया, और 12 के साथ 4 क्या है, पैरेलल में, ठीक है। तो 12 × 4 प्लस 12 + 4 कितना हो गया, तो क्या हो गया, 48/16 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 ओम आ गया, ठीक है। 3 ओम यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ सबको कट करके हम क्या कर लेंगे, 3 ओम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ टोटल आ गया 3 ओम, ठीक है। और 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया सीरीज में, और 6 और 6 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। आप सबको पता है कि जब भी दो रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो उसका हाफ हो जाता है रेजिस्टेंस, तो 6 और 6 कितना हो गया, तो यहाँ आ गया अब टोटल 3, ठीक है। तो 3 a 4 a 4 और 3 10 10 और 3 13, तो मतलब टोटल कितना आ गया, 4 3 7 3 10, ठीक है। 4 3 7 और 3 10, ठीक है, सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको करने आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको आप सीरीज में कर ले। जब भी सेम रेजिस्टेंस होता है उसको क्या करेंगे, आप वैल्यू को हाफ कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 और 6 हो गया, तो 6 और 6 जब भी हो ना तो उसको भाग कर देगा, 6/2 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। जितना रेजिस्टेंस अगर सेम नंबर का होता है ना उससे डिवाइड करिए, अगर 6 होता, अगर 6 का 6 होता ना पैरेलल में, तो टोटल कितना आ जाता, 1 आ जाता, ठीक है। आपको ना बेसिक रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन पता होना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होता है आपका कैलकुलेशन करने में इस टाइप का, ठीक। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए उसको देखेंगे। देखिएगा ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो आपके घर में जैसे आपको बिजली सप्लाई आती है, जो आपके मोहल्ले वगैरह में लगे होते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसमें हम वोल्टेज को क्या करते हैं, वोल्टेज को हम कम करते हैं, ठीक है, उसमें स्टेप डाउन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द मैग्नेटाइजेशन ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज ड्रॉ इन विथ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच क्या होता है, जब भी आप ट्रांसफार्मर का सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो एक मैग्नेटाइजेशन ब्रांच होता है, ठीक है। एक होता है आर नोट होता है, और एक होता है एक्स नोट होता है, ठीक है। तो आर नोट एक्स नोट क्या होता है, हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। एक आर नोट होता है और एक एक्स नोट होता है, और यहाँ से आई नोट आता है, नो लोड करेंट आता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल ओनली, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर किस पर डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक। चलिए कोई ना, आप देख लीजिएगा इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेनेवर करेंट इज सप्लाई बाय ए सोर्स इज टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब भी आप करेंट सप्लाई करते हैं कोई भी सोर्स में, ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीमेंट होता है। मतलब कितना होता है वो तो आपको आइडिया इसमें वैल्यू नहीं दिया गया, बट डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ एन आयन
लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आना तो आप एक ही चीज़ आया देखिएगा, जब भी ये क्या होता है डीसी पे बात करता है और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करता है। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के, और आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा ही फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, बट ध्यान रखिएगा फैराडे का एक डीसी का जो बैटरी का नियम है जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, उसमें क्या होता है जो आयंस होता है लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, जब भी एम इजकल टू जेड आई टी आप लोग एक फार्मूला पढ़ते होंगे इस वाले में क्या होता है यही रूल यूज होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द रिप्रेजेंट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे लिखते हैं हम, एक्सेल एक्सेल इन एसी सर्किट। ठीक है, एसी सर्किट एक्सेल इसका लो क्या होता है 2πfL होता है। ठीक है, 2πfL इसका कोरिएक्टेंस हो जाएगा, अगर एफसी पूछा जाता है 2πfC हो जाता है, 1/2πfC हो जाता है, अगर एक्सी पूछा जाता है तो एक्सेल पूछा गया है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया है तो 2πfL हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका कोरिएक्टेंस हो जाएगा। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, तो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर पूछा गया। देखिए बच्चे क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में ट्रांसफार्मर भी है तो इसलिए मैं ट्रांसफार्मर का भी क्वेश्चन आप सबके सामने करा देता हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस जो इंपीडेंस होता है ट्रांसफार्मर का क्या होता है वो इक्वल होता है इक्वल टू द निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका कोरिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू द निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए करते हैं, आप सबको पता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं हम कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस साइड करते हैं हम, हाई वोल्टेज साइड इक्विपमेंट को लगाते हैं, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया आयरन लॉसेस आर नेग्लिजिबल, आयरन लॉस बिकॉज क्यों, क्योंकि क्या होता है वोल्टेज हम सेकेंडरी साइड क्या होता है सॉरी वोल्टेज प्राइमरी साइड क्या होता है बहुत ही लो होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है ये लॉसेस आर क्या होता है नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका कोरिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम वोल्टेज पे हम करते हैं इसलिए क्या होता है आयरन लॉस को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका कोरिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट सर्किट में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हम आयरन लॉस फाइंड करते हैं जो हाई वोल्टेज साइड है उसको क्या करते हैं हाई वोल्टेज साइड क्या करते हैं इक्विपमेंट लगाते हैं, लो वोल्टेज साइड को हम क्या करते हैं शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा, ड्यूरिंग ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जब भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं द आयरन लॉसेज आर नेग्लिजिबल, बिकॉज आयरन लॉसेज नेग्लिजिबल होता है क्यों, क्योंकि द म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है उसमें स्मॉल होता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन बट ऑप्शन अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन लगभग सेम ही है बट ऑप्शन अलग अलग, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के ऑप्शन भी बन सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो इसमें क्या है तो म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है स्मॉल होता है। ठीक है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉसेज आर नेग्लिजिबल, कम क्यों होता है बिकॉज द म्यूचुअल फ्लक्स इज स्मॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका कोरिएक्टेंस हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक सीआरटी स्क्रीन पर दिखाई देती है जब दब क्या होता है साइनोसोइडल वोल्टेज आर सिमल्टेनियसली अप्लाई टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट आर कॉल्ड। ठीक है, देखिए इतना लंबा जब भी पेपर में स्टेटमेंट आ जाए ना, ठीक है, और जब भी सीआरटी की बात हो तो आप एक चीज ऑप्शन में गौर कीजिएगा, लिजासियस पैटर्न तो कहीं लिखा हुआ है, देखिए लिजासियस पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका कोरिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब सीआरटी पढ़ते हैं आप तो उसमें सब समझ जाएंगे कि डिटेल से पढ़ते हैं सीआरओ तो उसमें सब आपको पता लग जाता है लिजासियस पैटर्न क्या होता है, डबल मोड क्या होता है, सिंगल मोड में क्या होता है, सब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, इसका कोरिएक्टेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिजासियस पैटर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इफ द आयरन कोर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर रिप्लेस बाई एन एयर कोर देन द हिस्टेसिस लॉस इन द ट्रांसफार्मर विल बी। ठीक है, तो देखिए आयरन कोर है और उसको एयर कोर में रिप्लेस कर देंगे, तो एयर कोर में रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ, आपका जो इसका हिस्टेसिस लॉस है उसको क्या कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका कोरिएक्टेंस हो जाएगा, बिकॉम जीरो। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे। देखिए एक्साइटिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, एक्साइटिंग करंट होता है वो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो आप सबको पता है एक्साइटिंग करंट क्या होता है बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है, तो कम मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है बहुत लो पावर फैक्टर का भी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लो मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। ठीक है, कि मैग्नीट्यूड भी इसका कम होता है और पावर फैक्टर भी इसका कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्टेंस हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एवरेज ईएमएफ, आप गौर कीजिएगा इस वर्ड पे, एवरेज ईएमएफ
पर टर्न इन ट्रांसफार्मर कॉइल इज इक्वल टू, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एवरेज ई एम एफ पूछा गया है और 99% बच्चे इसमें गलत करते हैं। क्या लगा के आते हैं? 4.44 लगा के आते हैं, जो कि बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, ये क्या है, ये आर एम एस है, ठीक है, आर एम एस वैल्यू है, ठीक है। एवरेज जब भी पूछा आता है तो क्या होगा, 4 FIM हो जाएगा, ठीक है, जब भी एवरेज पूछा आता है तो 4 FIM भी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, एवरेज में इसी में लगाया था, ई एम एफ देखा इक्वेशन लगा दिया, ये ऐसा नहीं, ये आर एम एस वैल्यू है। जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं ई एम एफ इक्वेशन का, तो उसमें RMS वैल्यू को पुट करके 4.4 लाते हैं, ठीक है। अगर एवरेज यहाँ पर पूछा गया है तो 4 FIM भी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा, थ्री फेज द एंगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन ईच फेज वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आप सबको पता है कि थ्री फेज जो कनेक्शन होता है उसमें फेज एंगल जो होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो उसमें कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट पूछा जाता है पेपर में और पूछा गया भी है, तो इसलिए मैं आप सबके सामने ले आया हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। देखिएगा, एज कम्पेयर टू डेल्टा डेल्टा बैंक द कैपेसिटी ऑफ द VVBB, ठीक है, तो ओपन डेल्टा बैंक ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज परसेंट ऑफ, ठीक है। तो जब भी VVBB आ जाए ना, ओपन डेल्टा वाला, ठीक है, तो आपको सब कुछ नहीं ध्यान रखना, 57.7 याद रखना, ठीक है, इसको आप कर देना है, 57.7 हो जाता है परसेंटेज इसकी कैपेसिटी, ठीक है, कम जाता है कैपेसिटी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिएगा, पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV इज इन ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो पीक इन्वर्सल कितना होता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 2 VM होता है, ठीक है, और VM होता है वो ब्रिज सर्किट के अंदर होता है, VM होता है, सेंटर टेप में क्या होता है, 2 VM होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूज ऑफ 3-point starter। तो आप सबको पता है स्टार्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, लिमिट करना है स्टार्टिंग करेंट को, ठीक है, तो टू मिनिमाइज द आर्मेचर करेंट बिल्कुल गलत है, टू मिनिमाइज द बैक EMF भी गलत है, टू इंक्रीज द बैक EMF भी गलत है, टू इंक्रीज द आर्मेचर करेंट, नहीं देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, टू मिनिमाइज द आर्मेचर करेंट, ठीक है, मैंने मिनिमाइज द आर्मेचर रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू मिनिमाइज द आर्मेचर करेंट का मतलब ना, जो स्टार्टिंग करेंट है उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है, टू इंक्रीज द आर्मेचर करेंट नहीं, इंक्रीज नहीं करता, उसको मिनिमाइज करता है, तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। देखिए, यहाँ तक ना बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लगभग ना आपके 60 क्वेश्चन के आसपास हो गए, ठीक है, तो मैं आपसे के सामने बहुत सारा क्वेश्चन लाते रहता हूँ, ठीक है, और मेरे पास ना बहुत क्वेश्चन है, इतना ही नहीं, लगभग 200 के आसपास PDF में, तो मैं पूरे क्वेश्चनों करा दूंगा, ठीक है, जितना हो सकता है मैं 1 घंटे के आसपास में करा दूंगा, ठीक है। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, अगर पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो आप पूरा देखिएगा इसको, ठीक है। फिर तो अब देख चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिएगा, करेंट इज मेजर बाय यूजिंग, देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी ना कई बार पूछे जाते हैं, तो आप बेसिक क्वेश्चन को भी करके जाइएगा, करेंट को हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा, द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का क्या होता है, ये होता है ओम पर वोल्ट होता है, ठीक है, ओम पर वोल्ट होता है। सेंसिटिविटी क्या होता है, जो हमारा मेजरमेंट होता है उसमें हम सेंसिटिविटी टर्म आता है, ठीक है, तो ओम पर वोल्ट हमारा, देखिए ओम पर वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद क्या है, फॉर्म फैक्टर, देखिएगा फॉर्म फैक्टर, ठीक है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ एन AC वेव इज डिफाइन द रेशियो ऑफ, द फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप देखिए करेक्ट आंसर होगा। फॉर्म फैक्टर जो होता है हमारा क्या होता है, RMS अपॉन एवरेज होता है, ठीक है, RMS अपॉन एवरेज होता है, फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, तो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.1 होता है। जैसे फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.11 होता है, ठीक है। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, SWR जिसको कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में फॉर्म फैक्टर कितना होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में फॉर्म फैक्टर होता है 1.57 होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में फॉर्म फैक्टर 1.11, हाफ वेव रेक्टिफायर में फॉर्म फैक्टर 1.57, ठीक है। RMS अपॉन एवरेज वैल्यू इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लेप बाइंडिंग, लेप बाइंडिंग क्या है, द नंबर ऑफ पैरेलल पथ और आर ऑलवेज, लेप बाइंडिंग में क्या होता है, लेप बाइंडिंग में क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी होता है, कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है, द नंबर ऑफ
पोल के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लेप बाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पथ इक्वल होता है नंबर ऑफ पोल के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमारे पास वेव बाइंडिंग के बोला जाता है तो वेव में क्या होता है, वेव में क्या होता है, ए इज इक्वल टू टू हो जाता है। ठीक है, टू याद रखना। ठीक, हम लेप बाइंडिंग कहाँ पर यूज करते हैं, लेप बाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हाई करेंट के रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, हाई करेंट रिक्वायरमेंट होता है और जहाँ पर लो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। हाई करेंट हो गया और लो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे हम करते हैं लेप बाइंडिंग। ठीक है, और वेव बाइंडिंग कहाँ पे करते हैं, जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिए, वेव बाइंडिंग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास ना हाई वोल्टेज का ज़रूरी होता है। ठीक है, जहाँ पे हाई वोल्टेज का ज़रूरी होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज का ज़रूरी होता है और लो करेंट का रिक्वायरमेंट होता है, लो करेंट का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, वेव बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने लेप बाइंडिंग के बारे में और वेव बाइंडिंग के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और भी आता है जैसे रिट्रोग्रेसिव हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। ठीक है, तो IR ये सब फॉर्मूला होता है, बट उतना डिटेल में नहीं जाना है आपकी मशीन के अंदर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, BIS के अनुसार किसी भी इंस्टॉलेशन में अधिकतम धारा लीकेज की सीमा कितनी है। तो कोई भी इंस्टॉलेशन होता है उसमें मैक्सिमम कितनी लीकेज करंट का मतलब उसमें सीमा है। ठीक है, तो आप सबको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि 1/5000 टाइम क्या होता है, लीकेज करंट होता है। और इस पर ना न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इस पर आते ही, अगर न्यूमेरिकल आपको समझना है तो आपको क्या देगा, कुछ वैल्यू दे देगा। जैसे आपको बोल देगा कि हाँ 220 वोल्ट है, 50 एम्पियर है। ठीक है, ये सब का कुछ वैल्यू दे देगा आपको, 0.8 पावर फैक्टर, उसको कैलकुलेशन करके और टोटल लीकेज करंट कितना होगा उसको बताने के लिए। तो आप इससे ना डिवाइड कर देंगे इसको, आसानी से यहाँ पर लीकेज करंट का वैल्यू आ जाता है। अगर आपको न्यूमेरिकल देखना है तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है JSSCST टायर के नाम से, उसमें जाइएगा तो एक वीडियो वहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है, आप सारे वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बीच सेल इज ऑल्सो नोन एज लिचेंसियस सेल। ठीक है, तो कौन से सेल को लिचेंसियस सेल बोला जाता है। ठीक है, तो जो कार्बन जिंक सेल होता है इसको ही बोला जाता है लिचेंसियस सेल। ठीक है, फिर बोला जाता है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, बीच टाइप ऑफ पावर सप्लाई इज मैंडेटरी फॉर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखिए, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या हो, मतलब वहाँ पे चाहिए जहाँ पे पावर का जीरो इंटरप्शन हो, मतलब एक सेकेंड के लिए पावर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास UPS होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। UPS क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब बिना रुकावट के पावर का सप्लाई करना क्या होता है, UPS होता है। तो UPS का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, फिर इमरजेंसी का और भी कोई चीज़ हो गया, जैसे इमरजेंसी हो गया, OT हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हमें सब UPS वाला सिस्टम का काम करते हैं। जहाँ पे कंप्यूटर लगा होता है वहाँ पर भी UPS लगाते हैं, ताकि हमारे पास पावर का सप्लाई बने रहे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मल्टीमीटर कैन नॉट मेजर। तो देखिए, मल्टीमीटर से हम क्या नहीं मेजर कर सकते। देखिए, तो मल्टीमीटर से आप सबको पता है, देखिए, और फ्रीक्वेंसी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करंट भी दिया गया है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाता तो फिर हम करंट पे टिक करते हैं। देखिए, करंट मीटर करने के लिए क्लैंप मीटर होता है हमारे पास। ठीक है, करंट मेजर नहीं कर सकते, बट इसमें कुछ कनेक्शन को हम चेंज करके मल्टीमीटर से करंट मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट से अच्छा जो सूटेबल ऑप्शन है नहीं करने का, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, CRO यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सबको पता है CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो कैथोड CRO का यूज़ करते हैं हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करते हैं। फिर ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, आप सबको पता है पावर का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, किलोवाट होता है, सॉरी, PV होता है, आप सबको पता है PV होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, यहाँ पर किलोवाट दिया गया, मतलब KV में दिया गया है, ज़्यादा 12 यूनिट दिया गया, आपको घबराना नहीं है, MVA भी दिया, मेगावाट भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा, अंपायर टेप इज यूजुअली मेड ऑफ। ठीक है, अंपायर टेप क्या है, केबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में ना केबल का भी क्वेश्चन है, केबल का भी सिलेबस है, तो केबल को भी क्वेश्चन को आप करते रहिएगा। तो अंपायर टेप जो होता है वो किससे बना होता है, तो वो बर्निस कैम्ब्री का बना होता है जनरली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ तक ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया, लगभग मैंने
100 क्वेश्चन के आसपास चला गया हूँ, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास चला गया है। तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि PDF वगैरह कहाँ मिलेगा। और देखिए अभी मेरे पास ना लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास और है, 50 से भी ज़्यादा है, देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाता हूँ जो ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं, तो प्लीज़ आप पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है, और देखिए पूरा देखिएगा तो आप सबको पता लग जाए कहाँ पे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो देखिए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और इसमें और भी क्वेश्चन हैं जो कि अभी 50 क्वेश्चन के आसपास बचे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ उतना लंबा, तो इसको क्या करते हैं यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि जब भी आपके पास PDF जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपके सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप क्या कीजिएगा उससे मार्किंग कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, और इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है ना और वीडियो देखिएगा, इसमें चैनल का बहुत सारा वीडियो है, ठीक है, उसमें देखिएगा, उस चैनल पे से वीडियो देखिएगा, उसमें से आपको सॉल्यूशन सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको घर इस टाइप की। देखिए इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है ना ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है ना मैंने वीडियो में करा रखा है, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ एक ही वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन। तो आप क्या करें कि यहाँ तक मैं जो कराया हूँ ना क्वेश्चन उसको अच्छे से सॉल्यूशन टिक कर लें, और जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना इस चैनल पर सारा वीडियो को देखिएगा आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला आपसे, सारा का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि चैनल आर्य पॉइंट नाम से क्या है, आर्य पॉइंट नाम से मतलब टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सर्च करने पर नहीं आएगा बट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर जाइएगा आप, ठीक है, वहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से बहुत सारे बच्चे उसमें कनेक्ट है, ठीक है, उसी पर PDF वगैरह मिलता है, बाद में कमेंट नहीं कीजिएगा PDF कहाँ है और कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, आपका मैं वेट करता हूँ कमेंट का। और आज को वीडियो को भी समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो कौन सा सब्जेक्ट को चाहिए ये भी कमेंट करके बताएं, मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक मेरा ख्याल रखिए, धन्यवाद।